देश में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रही है। देश में बीते 24 घंटे में नए मामलों में लगभग 10% का उछाल, मामलों में इजाफा। बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,880 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या 35,199 हो गई है। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब पॉजिटिविटी रेट में चिंता आ गई है। दिल्ली में रविवार को पॉजिटिविटी रेट 21.15% रिकॉर्ड की गई। इसमें 699 नए कोविड केसेस दर्ज हैं। कोरोना संक्रमण के नए केस रिकॉर्ड किए जाने में केरल टॉप पर है। केरल में सप्ताह दर सप्ताह कोविड मामलों में 200% की वृद्धि हुई है। 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच राज्य में 7,202 नए मामले रिपोर्ट हुए। चार अप्रैल के बाद से केरल में रोजाना 2,000 के करीब केसेज आ रहे हैं। केरल में केस बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बुजुर्गों के लिए अनिवार्य कर दिया है मास्क। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार बीड पहुंचे। उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया, पीड़ित किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे। उन्होंने विधायक नारायण दास के साथ मिलकर PMGSY के तहत बनी कई प्रमुख सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इन सड़कों के बनने से गांव शहरों से जुड़ेंगे, जिससे छात्रों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा। फरुखाबाद जिले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा जहां जहां राहुल गांधी मैदान तय करेंगे वहां वहां सरकार भाग जाएगी। प्रदेश भर में 1 अप्रैल से गेहूं की MSP पर खरीद शुरू किए जाने की घोषणा के बाद भी पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इसे लेकर किसान काफी चिंतित हैं। शाहदरा जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने एक शातिर ऑटो ड्रिफ्टर को चोरी की एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई। आरोपी की पहचान गांधी के नगर के धर्मपुरा निवासी गौरव के तौर पर हुई। बिहार के पूर्व मंत्री और 27 सालों तक नवादा गोविंदपुर की विधायक रही गायत्री देवी का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। फरुखाबाद में बसपा नेता के भाई पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। बसपा नेता के भाई और उनके साथी की 2,21,92,500 रुपए की संपत्ति कुर्की। नायब तहसीलदार की अगुवाई में 3 प्लॉटों का स्वामित्व अधिग्रहण कर नगर पालिका को दिया। उमरिया कलेक्टर की पहल पर पद्मश्री जोदहिया बाई को मकान के जीर्णोद्धार के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक मिला है। उमरिया जिले में आदिवासी कला केंद्र की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए विवेक अनुदान मद से मंजूर किए गए। सीधी जिले के थनहावाड़ टोला के पास स्थित खेत में आग लग गई। किसान का खलिहान में सारा गेहूं जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। रायगढ़ पुलिस को चिटफंड मामले में अब तक की बड़ी सफलता हाथ लगी। चिटफंड कंपनी कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD और उसके भाई की कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। एटा के अलीगंज में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा होता। बोकारो थमल थाना क्षेत्र में पिता की मौत के बाद बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की खबर लगते ही इलाके में सनसनी। बालेश्वर में एक तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बच्चे बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस, भोगराई पुलिस ने पिकअप को जब्त। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड बंगाल से सटे रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। बोकारो स्टेशन से गुजरने वाली 33 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। बुलंदशहर में कार में अचानक भीषण आग लग गई।
इस दौरान कार सवार दो लोग झुलस गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अफरा तफरी का माहौल नजर आया। खंडवा में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक के साथ जमकर मारपिटाई की। इसके बाद युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट रही हुई है और लोगों में खासा आक्रोश है। नगर निकाय चुनाव को लेकर गाजियाबाद के लोनी में प्रशासन अलर्ट मोड में है। लोनी में प्रशासन ने सड़कों पर पोस्टर्स बैनर्स हटवाए हैं और तमाम तरह के एहतियात भी दिए गए हैं। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। इसमें दो बाइक सवार जख्मी हुए। अस्पताल ले जाते समय एक शख्स की मौत जबकि दूसरे घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया। धौलपुर में हादसा। रामनगर में एक नाबालिग छात्र लापता हो गया। परिजनों ने पुलिस को बच्चे की गुमशुदगी की तहरीर दी। इसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है, साथ ही उसके सहपाठियों से पूछताछ की जा रही है। बच्चा लापता हुआ, घर वाले परेशान।